ईमानदार ईमानदार और फर्शनास अफसरान को किसी भी सूरत डरने की जरूरत नहीं। उधर ब्यूरोक्रेट्स के इजलास में अहद चीमा के हक में करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसमें अहद चीमा की फौरी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। नैब के अलावा हुकाम अफसरान के पीछे खड़े हो गए। हुकाम का कहना है दयानतदार ईमानदार और फर्शनास अफसरों को किसी भी सूरत डरने की जरूरत नहीं। ब्यूरोक्रेट्स की अगर बात की जाए तो ब्यूरोक्रेट्स के इजलास में अहद चीमा के हक में करारदाद मंजूर कर ली गई है। अहद चीमा की फौरी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। आपको बताएं कि नैब के आला हुकाम अपने अफसरान के पीछे खड़े हो गए हैं, भरपूर सपोर्ट फराहम की जा रही है। और आपको इस हवाले से अपडेट करें कि ब्यूरोक्रेट्स के इजलास में अहद चीमा के हक में करारदाद मंजूर कर ली गई है और मुतालबा यह किया जा रहा है कि अहद चीमा जो कि साबिक DGLDA हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हुकाम का कहना है कि दयानतदार ईमानदार और फर्शनास अफसरान को किसी भी सूरत डरने की जरूरत साउथ वर्ल्ड हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। साउथ, आगाह कीजिएगा तमाम तर सूरत हाल से। जी बिल्कुल, DMG ऑफिसर्स की जानिब से जो है वो बिलवास्ता नैब से रब्ता किया गया और बड़ी अनसर्टनिटी सी छाई हुई है DMG अफसरान में कि नैब जो है वो तमाम के तमाम लोगों को जो है वो किसी ना किसी बदले की सूरत में गिरफ्तार करे। लेकिन नैब की जानिब से ये बाकायदा तौर पर उनको बताया गया कि ईमानदार और फर्शनास ऑफिसर्स के को सपोर्ट करने के लिए नैब जो है वो मुतहरिक है और नैब किसी भी सूरत इस तरह की किसी अफसर को गिरफ्तार नहीं करेगी जो अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं और दयानतदारी से अपना जो है फर्ज अदा कर रहे हैं। अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया।